51 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कुछ कंडीशंस दे रखी है। पहली कंडीशन तो ये है कि थीटा और फाई दोनों पॉजिटिव है, 0 से 2 पाई के बीच में। टेन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा विच इज क्लियरली माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10 थीटा पॉजिटिव यानी 10 थीटा नेगेटिव, 10 थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी नेगेटिव है, तो थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट में होना ही पड़ेगा। तो यहां से अपन क्लियरली थीटा का एक इंटरवल तो बता ही सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2, उस पर माइनस 1 वैल्यू होती है, 2 पाई बाय 3, इतनी वैल्यू हमें मिल गई। पूछा गया है फाई कैन नॉट टेक वैल्यूज, तो उसके लिए इक्वेशन एक दे रखी है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें इस इक्वेशन में, 10 थीटा बाय 2 प्लस कॉट थीटा बाय 2, इसमें अपन साइन हाफ एंगल में साइन के में कन्वर्ट कर लें, साइन बाय 2 साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, 1 अपॉन साइन कॉस, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इंटू कॉस फाई माइनस 1, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे अपन, तो क्लियरली 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन ऑफ डबल एंगल फॉर्मूला दिस वैल्यू, और यहां पर रहेगा आपके पास 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन फाई कॉस थीटा। अब ये वाली हो गई 2 साइन थीटा कॉस फाई, 2 साइन फाई कॉस थीटा, एक साइड ले जाएंगे, साइन का एंगल बन जाएगा समेशन का फॉर्मूला, सो 2 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू, या 2 को भी खत्म कर दें, 1 बाई 2 टाइम्स 2 कॉस थीटा प्लस 1। अब बिकॉज अपने पास थीटा का रेंज है कहां से कहां तक जा रहा है, तो कॉस थीटा भी पता है कहां से कहां तक जा रहा है, 2 कॉस थीटा प्लस 1, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इस पूरे की वैल्यू अपने को पता है, which comes out to be in the interval 1 by 2 to 1. तो अब sine of some angle 1 by 2 से 1 जा रहा है, तो मैं बता सकता है वो angle कहां से कहां तक जा रहा होगा, clearly theta plus phi would belong to interval either pi by 6 to 5 pi by 6 or union it can also move to 13 pi by 6 to 17 pi by 6, ये वाली हो गई। और हमसे पूछा है range of phi, तो phi कितना हो जाएगा ऐसे में, 5 by 6 minus theta, comma 5 pi by 6 minus theta, union 13 pi by 6 minus theta and 17 pi by 6 minus theta. अब देखें theta की value 3 pi by 2 से भी बड़ी है, यानी ये value तो negative चली जा रही है, hence clearly ये जो interval है ये तो directly reject हो जाएगा, the only possible interval is this, और इसमें भी अगर मुझे theta की range phi की range निकालनी है, तो जब मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 5 पाई बाय 3, और जब मैक्सिमम चाहिए तो थीटा की मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 3 पाई बाय 2। तो यहां से अपने पास थीटा फाई की रेंज आ जाती है, फाई कम्स आउट टू बी 5 बाय 2 टू 4 पाई बाय 3, ये आई है फाई की रेंज। और पूछा है फाई कैन नॉट टेक वैल्यू, तो ये तो फाई कैन टेक वैल्यू, कैन नॉट में क्या जाएगा अपना, ए ऑप्शन सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, हेंस आंसर वुड बी ए सी एंड।